हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर दोपहर से, मतलब जब मैं रेडी होने लगी थी मैं तब से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सारा काम मॉर्निंग में जल्दी जल्दी से ख़त्म किया था, उसके बाद अपना नहाई थी मैंने, हेयर वॉश कर लिया था, तो सिंपल कपड़े डाल लिए थे क्योंकि हेयर वॉश इतने जितने मेरे हेयर सूखेंगे इतने में बाकी के काम ख़त्म कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं नेल पेंट वगैरह लगा रही थी, तो नेल पेंट भी सूखेगा और उधर हेयर भी सूखेंगे, तो ये बाकी के मेरे दोनों काम हो जाएंगे क्योंकि सबसे पहले यही करने होते हैं, बाद में तो नहीं लगेगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो मेरे पुराने बिछुए हैं और पायल है, मैं उनको भी निकाल कर नए वाले डाल लूँगी। सभी डालते हैं ऑलमोस्ट, तो ज़्यादातर सभी डालते हैं आज के दिन, तो मैं वही डाल लूँगी। और बच्चे देखिए, बच्चों को ये लग रहा है कि नए कपड़े हैं, मम्मा कहाँ जा रहे हो, आज क्या है, आप क्यों पहन रहे हो नए कपड़ा, मुझे भी पहना दो। विवान का भी यही हो रहा था, तो देखिए दोनों बच्चे इतने मुझसे बैठ के देख रहे थे कि हम भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी पायल वगैरह और बिछुए डाल लिए हैं। उसके बाद विवान मेरी पुरानी वाले से खेलने पे लग रहा है वो, तो उसके बाद फिर मैं अपना मेकअप भी कर लूँगी, ज़्यादा तो नहीं करूँगी, हल्का फुल्का ही करूँगी। तो मैंने यहाँ पर हेयर वगैरह भी सेट कर लिए थे पहले, उसके बाद फिर अपना और बाकी के करेंगे। और टाइम भी मतलब मैंने काफ़ी आराम से किया था कि टाइम काफ़ी है पूजा के लिए, तो पूजा वही 2 बजे के समथिंग ही करते हैं सभी, तो लेट भी करते हैं कुछ जगह पर हमने 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में पूजा कर ली थी। तो यहाँ पर मैं मेकअप करने लग गई थी, अपना प्राइमर वगैरह मैंने लगा लिया है और यहाँ पर फिर फाउंडेशन भी लगा लूँगी मैं अब। और मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर जो है, मतलब जिससे करते हैं, मैं उससे अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर पाती हूँ, मुझे अच्छे से सेट नहीं हो पाता है उससे, तो मैं अपने हाथ से ही अच्छे से सेट कर लेती हूँ, काफ़ी अच्छे से हो जाता है हाथ से, तो बस मैं उसी से सेट करूँगी। तो बस ऐसे मैंने पहले मॉइस्चराइजर लगाया था, उसके बाद मैंने प्राइमर भी लगाया है और अब मैंने फाउंडेशन लगाया। देखिए मैं हाथों से काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है देखिए। और उसके बाद जो बाकी का बचा है, आईब्रो वगैरह फिल करनी और थोड़ा मतलब हल्का फुल्का आई शेडो वगैरह लगानी, ये सारा कर लूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप की आदी भी नहीं हूँ, नेचुरली मैं ऐसे ही रहती हूँ घर में, तो मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती हूँ। कहीं जाती हूँ या कोई मतलब फंक्शन होता है तो हल्का फुल्का कर भी लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ। तो हल्का सा मैंने यहाँ पर आई शेडो भी यूज किया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा मतलब महंगा वो नहीं रखती हूँ अपने पास मेकअप का सामान, जो जो मेरा बस यूज लेवल है मैं वही रखती हूँ। उसके बाद मैं इयररिंग्स डाल लूँगी, तो और अब करेंगे फिर पूजा के लिए तैयारी। तो मम्मी सबसे पहले रेडी हो गई थी, तो यहाँ पर डाल लूँगी मैं ये वाला अपना नेकलेस, तो मतलब ये अच्छा लगता है मुझे, मतलब सिंपल है बिल्कुल और अच्छा भी लगता है डालने के बाद, अच्छा लगता है और ये। मेरे बेड की हालत बहुत ख़राब हो गई क्योंकि जब कहीं जाना होता है वैसे रेडी होते ना तो सारा सब कुछ बेड पर ही रहता है। तो फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ रेडी यहाँ पर पूरी तरीके से, मैं आपको दिखाती हूँ अपना लुक। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है अपना शादी का दुपट्टा, जो लहंगे का दुपट्टा था वो, मेरी मेहंदी मैंने खुद से लगाई थी रात में, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई, वीडियो नहीं बना पाई मैं कल, तो मुझे याद नहीं रहा। तो इधर देखिए ये शायद चूड़े में छुप रहा है, मैं दिखाने भूल गई आपको। और इधर देखिए ऐसे ये, और इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल लगाई थी क्योंकि ये खास से इस पर नहीं लगेगी, तो दीदी से मैंने ऐसे लगवा लिया था, उनको मेहंदी लात आती नहीं है तो मैंने बस ऐसे सिंपल लगवाया था, ये मैंने खुद से किया था, मुझे तो अच्छी लगी, आप बताना कैसी लगी है। तो बस अभी चलते हैं पूजा के लिए, पूजा पर बैठेंगे, मैं इसको डालकर ही बैठेंगे पूजा पर। तो यहाँ पर फिर पूजा जमा रहे थे हम, मतलब पूजा को ही वो कर रहे थे, और वहाँ पर यहाँ पर हमने रेड कपड़ा डाला था, रेड कपड़े के ऊपर अपना जो सुराही वगैरह ये रखते हैं ये रखी थी करवे, इसको रखा था। और यहाँ पर जो जिसको देना होता है उसके लिए भी सामान रख लिया, जो पूजना पूजते हैं हम वो,
तो दीदी ने भी रख लिया। तो यहाँ पर मतलब ये ऐसे बिल्कुल नीचे से गोल होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट के लिए जो दिवले होते हैं वो लगाए थे हमने, मिट्टी वाले वो सब लगाए थे। और यहाँ पर अभी मैं शायद कुछ सामान फिर से भूल गई हूँ, क्योंकि याद आ रहा था ना काफ़ी सामान ऐसे। तो यहाँ पर मैंने सुराही में डाला है आटा और चीनी, कुछ के यहाँ पर ऐसे रखते हैं कुछ के यहाँ पर नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर मैं अब हल्दी से बना लूँगी स्वास्तिक, तो मैं पूछ रही थी कि कितने बनते हैं कितने नहीं बनते हैं। और जिस करवे को हम पूजेंगे उसको भी, उस पर भी हम स्वास्तिक बनाएंगे। जो दूसरा होता है हस्बैंड खाते हैं, जो हस्बैंड के लिए पूजा जाता है उस पर नहीं डालते हैं स्वास्तिक। तो मैंने जो सामान रखा था मैं उसी में डाल दूंगी, क्योंकि बाहर बच्चे भी गिराने का डर लगता है, सबसे ज़्यादा पीहू का डर होता है। अब भी देखिए पीहू है इस टाइम भी, और काफ़ी डर हो रहा था, इसीलिए हमने मंदिर में पूजा ये नहीं किया था, क्योंकि मंदिर में पीहू बार बार मंदिर में जाती है, कम से कम दिन में 20 बार तो घुसती ही है वो मंदिर में। तो बार बार उसको निकाल के लाओ तो बच्चा है वो तो खिंडा देगा, इसलिए मैंने रूम में ही सेट किया था कि इससे कम से कम इसका डोर तो बंद हो जाएगा। तो यहाँ फिर गेहूँ रख लिए हमने, गेहूँ रख कर उस पर दिया रखा। इस तरीके से होता है, हर जगह अलग अलग तरीका होता है करवा चौथ का, मतलब पूजा का तरीका अलग अलग होता है। पर हमारे यहाँ पर जैसे होता है मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ, जिस तरीके से मम्मी करती थी मम्मी ने उसी तरीके से हमें कराया है। तो बस यहाँ पर दिया रख लिया, इसमें सारी मतलब जोत वगैरह सब रख के, फिर हाथ में जो लेकर बैठते हैं खाली हाथ नहीं कथा सुनते हैं, तो वो सब ले लिया था हमने, दूध वगैरह भी ली है। तो अपना अब हम दिया जोत जलाएंगे, जोत जलाने के बाद फिर कहानी वगैरह पढ़ेंगे। तो कहानी इस बार हमने खुद से ही पढ़ी थी, वरना पहले तो कोई ना कोई आ ही जाता था कहानी पढ़ने के लिए, तो इस बार तो खुद से कहानी पढ़ी। तो यहाँ पर कहानी सुन रहे हैं हम, चौथ की कहानी और अहोई की कहानी, मतलब इस तरह की कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है सुनने में, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कहानी कह लेंगे, आज के दिन में कहानी कहना सुनना होता है ज़रूरी, तो वही होता है एक जगह तो जाकर मंडली बनाकर भी करते हैं, पर हर जगह अलग अलग होता है, हमारे इधर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर पूजा कर ली है, तो अभी यहाँ पर जो मतलब जो हम हाथ में लेकर बैठते हैं उसको हम अपने पल्लू में बांध लेंगे, मतलब पूरे दिन के लिए। और शाम को जब चांद को अर्घ्य देंगे तो उस टाइम पर मतलब वहाँ पर रख के और फिर चांद को अर्घ्य देते हैं। तो मैं भी ऐसे ही देख कर पल्लू में रख लूँगी, क्योंकि टाइम हो जाता तो मुझे याद भी नहीं रहता। और देखिए मैं यहाँ पर दुपट्टा लेना भूल ही गई थी, जो मैंने लहंगे का दुपट्टा निकाला वो लेना भूल गई, फिर मैंने बीच में से लिया था, एकदम से माइंड से स्किप ही हो गया था, तैयारी में लग गए थे ना, उसके बाद फिर रखा कर रह गया, फिर मैंने बाद में ले लिया था उसके। अब यहाँ पर पूजा हो गई है, अब हम जाएंगे सूरज को जल देने के लिए, उसके बाद अपना चाय वगैरह पियेंगे और फिर खाने की तैयारी करूंगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और मैंने देखिए अपना लुक चेंज कर दिया है, अभी खाना बना रही हूँ मैं। हाँ तो निकलवा के यहाँ लगवाना पड़ेगा, तो होल्डर चेंज करवाऊंगी फिर। आज लाइटिंग की थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उस लाइट के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि अभी दूसरी लाइट खराब हो चुकी है शायद। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, खाना बना रही हूँ, और देखिए सारी तैयारी कर ली है किचन पूरी तरह से, बच्चे तो जा रहे हैं, किचन पूरी तरह से मैसी हो चुका है। और बस मैं अभी मैंने कपड़े तो चेंज नहीं किए हैं, साड़ी को चेंज नहीं किया है, बस ऐसे मैं बना रही हूँ यहाँ पर पनीर, पनीर की तैयारी कर रही हूँ, मसाला भून रही हूँ। तो देखिए ग्रेवी तैयार कर रही, मैं भूल गई थी कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर रखी। तो अभी मैंने मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें डाली है मिलाई, यानी कि दूध से उतरी हुई मिलाई वो डाली है, और अभी मुझे इसको रेडी करती हूँ, उसके बाद मुझे दूसरी भी सब्जी तैयार करनी है, इवनिंग में फिर से रेडी हो जाएंगे। तो मैंने इयररिंग्स वगैरह सब निकाल दिए हैं, तो किचन में पसीने पसीने हो रहे हैं, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया है। और माइंड मत करना पीछे बच्चे बहुत, दूसरी सब्जी मैंने तैयार कर ली है, काट पीट के तैयार है वो, मसाला भी तैयार है, किचन पूरा मेसी हुआ पड़ा है। तो इधर दीदी कर रहे हैं पीहू का दूध गर्म, क्योंकि पीहू को दूध चाहिए, और इन्होंने पहना है सूट, मैं जल्दी जल्दी में ड्रेस भी नहीं दिखा पाई, इन्होंने पहना है सूट, मम्मी की भी ड्रेस दिखाऊंगी मैं, थोड़ा खाना बनाकर फ्री हो जाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर उधर ग्रेवी पक रही है ना, तो इतने में यहाँ पर पनीर को कट कर दूंगी, ये बिल्कुल मतलब
मीडियम साइज़ में ही करूँगी, ना मोटे ना पतले, ऐसे क्यूब कर लूँगी मैं इसके। और इधर देखिए ग्रेवी पक चुकी है, तो मैंने सारे पनीर काट के मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको 2-3 मिनट के लिए फिर से बॉईल करना है, और उसके बाद बन रही है यहाँ पर हलवा, तो मैं हलवा भी बना रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने सूजी को घी में भूनने के बाद गैस को बंद किया, क्योंकि देखिए जो ये उठता है ना, इस मुझे बहुत डर लगता है एकदम से, मतलब छींटे आते हैं, तो इसलिए मैं गैस बंद करके तब इसको डालती हूँ, तो इससे थोड़ा मतलब राहत मिल जाती है। फिर से फटाक से मैं गैस ऑन कर देती हूँ, तो इस खाना वगैरह बनाने के बाद नाइट में, तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर फिर से रेडी होने के लिए, क्योंकि किचन में पूरी तरह से मैं पसीने होके बेकार हो चुके थे। तो मैंने फिर से रेडी हो गई थी हल्का फुल्का। तो अभी चलेंगे हम छत पे, अभी देखेंगे। को लुक दिखाती हूँ मैं, अभी फिलहाल इसको रख देती हूँ। बहुत हैवी है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है संभालने में। इधर मेरे बेटू सो चुका है, विवान सो गया है, सो गया मेरा गुड्डा। पूर बहुत आफत होती है पूरे दिन, जिस दिन स्कूल ही जाते ना उस दिन तो नानी याद आवा देते हैं ये लोग दोनों। और मैं अभी थाली भी तैयार, आधी मेरी थाली तैयार हो गई है, और आधी अभी मैं करती हूँ। इधर मेरी थाली भी तैयार हो गई, दिया भी रखूंगी मैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, चलिए सब है बाहर। पूजा घर, पूजा घर कैसे चमक रहा है। तो देखिए मम्मी, मम्मी हेलो हेलो हाय, कैसे हो तो आप सर? हम लोग कर रहे हैं इंतजार चांद का, पर मुझे लगता है शायद जब से मेरी शादी हुई है, पहले का तो मुझे याद नहीं, शादी हुई तब से तो पहली बार बारिश आ रही है ना। हाँ, इस बार जो ना हमारी अग्नि परीक्षा है कि कितना और रह सकते हैं। तो सब रेडी होकर अपना इंतजार कर रहे हैं, कब निकलेगा। देखियो पूजा घर कितना अच्छा लग रहा है, एकदम चमक रहा है। तो देखते हैं कब तक चांद निकलता है, कब तक नहीं। वैसे इस टाइम तक तो निकल जाता था हर बार, पर इस बार बारिश की वजह से ऐसा ही हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी चांद दिखाई नहीं देगा तो हाँ, इतने व्रत नहीं खुलेगा। तो चलिए आपको मिलती हूँ मैं व्रत खोलते टाइम। तो फ्रेंड्स चांद दिखाई दे गया है, तो अभी देखो मम्मी लेके चल रही है, और दीदी भी ले रही है, और मैं भी लेकर चलती हूँ, तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा। अब सीधा आपको मैं ऊपर ही मिलती हूँ, वो भी अंधेरे में। तो चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पर छत पर आ गए थे ना, और देखिए बिल्कुल मतलब मौसम की वजह से बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि इस बार चांद घटा में ज़्यादा रहा था, बार बार घटा में जा रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर मम्मी कर रही हैं और इधर देखिए दीदी कर रही हैं। तो थोड़ा बहुत फिर भी मम्मी पापा के ऊपर तो फिर भी थोड़ा लाइटिंग की आ रही है, और मौसम भी ऐसा ही हो रहा था कि ऊपर लाइट का भी बंदोबस्त करते तो कैसे करते, बारिश ही आ रही थी बार बार। तो मम्मी ने भी यहाँ पर अपना जल दे दिया है, तो अभी पापा भी बारिश में भीग गए थे ना, पापा ने सिर को पूरी तरीके से लपेटा हुआ है। और अब कर रही हूँ मैं, मैंने थोड़ी देर वेट भी किया था क्योंकि चांद घटा में चला गया था ना, तो ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है इस तरीके से अकेले ही। तो इस टाइम पर मेरे हस्बैंड की वीडियो कॉल आई हुई है, तो बस यहाँ पर पूरी फैमिली थी, सबको मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ भाई देखिए क्या बताऊँ मैं। तो इस बार सब कुछ फिर वीडियो कॉल पर ही किया था, पूरी फैमिली थी ऊपर ही, तो कोई फ़ोन पकड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि चांद बार बार घटा में जा रहा था ना, तो बोल रहे जल्दी से करो फिर चांद चला जाएगा। मैंने वेट भी किया था, मैं सच्ची बताऊँ कम से कम मैंने 15 मिनट वेट किया था खड़े होके कि चांद आएगा तभी करेंगे, फिर चांद थोड़ा सा दिखाई दिया फिर तभी किया था। तो मैं फ़ोन पर सब कुछ फ़ोन पर कर रही हूँ उनको, टीका वगैरह सब कुछ मैंने ऐसे ही किया था वीडियो कॉल पर ही। तो फाइनली चांद इतने रहा था, इतने मेरा जल दे दिया था, मतलब चांद को देख लिया था। तो यहाँ पर देखिए मैं पानी ऐसे ही फ़ोन से टच करके पानी भी खुद से ही पी लूँगी। तो अगर ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मम्मी भूल गई थी तब पैर छूना, मम्मी अब पैर छू रही हैं, नीचे देखा था अभी।
मैंने भी छू लिए थे। चलिए अब चलते हैं। और यहाँ पर आ गए थे फिर नीचे हम, तो यहाँ पर दीदी देती हैं मम्मी को खाना और जो पूजा हुआ सामान होता है वो। तो यहाँ पर हम साथ के साथ फोटो भी निकाल रहे थे ना, तो इसलिए ऐसे देख रहे। और यहाँ पर कुछ बात ऐसी चल रही थी कि हम लोग हंस भी रहे थे, मुझे अब भी हंसी आ रही है। तो यहाँ पर मैं देती हूँ दीदी को, तो दीदी और भाई साहब बैठ गए थे, तो मैं इनको यहाँ पर दे रही हूँ वीडियो। मम्मी बना रही थी तो मम्मी को बता भी रहे थे, मम्मी ऐसे करो ऐसे करो। तो मैंने इनको दे दिया है जो मतलब खाना होता है और पूजा हुआ सामान होता है वो, और मैंने आशीर्वाद भी ले लिया है। तो इसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाएंगे और खाना खाएंगे। तो मैं भी यहाँ पर जो मतलब पहना था मैंने चूड़ा वगैरह डाला था ना, तो मैं वही निकाल रही हूँ अब, क्योंकि रात में सोते टाइम तो ख़राब हो जाएगा ना, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा लोशन लगाया था उसके बाद निकाल रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल ऐसे ही क्रम से निकाला। पहले मुझे मालूम नहीं था मेरा एक चूड़ा ऐसे ही ख़राब हो गया, क्योंकि एक साइड ये बड़ा होता है एक साइड छोटा होता है, तो मुझे सोप वाले भैया ने ही बताया था कि ऐसे होता है। तो मैं इसी तरीके से रखती हूँ अब, तो मतलब ये आसानी से पहन लेती हूँ, ऐसे उलट पलट हो जाता है ना, तो उसमें फिर ऐसे होता है कि ये पहनने में दिक्कत होती है, जिस साइड से छोटा रहता है वो इस साइड से हम नहीं पहन पाते हैं, फिर टाइट हो जाता है। तो मैंने बिल्कुल उसी तरीके से सेट करके फिर से रख दिया है, जिससे मैं अगली बार आराम से पहन सकती हूँ। और जिसको ना पता हो तो प्लीज़ आप भी ऐसा ही करना, जिस तरीके से रखा जाता है उसी तरीके से रखें, तो उससे चूड़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। मैंने बिल्कुल इसी तरीके से किया है, तो आराम से पहन जाते हैं हम, वरना नहीं पहन पाते हैं। मेरा एक चूड़ा, क्योंकि मेरा खुद का एक चूड़ा ऐसे ख़राब हो चुका है इसीलिए। तो और बाकी का जो चुनरी वगैरह है ये मेरी लहंगे की, तो मैं इन सबको भी रख दूंगी। और इसी के साथ अब मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करूंगी। तो आप भी बताना आप सबकी करवा चौथ कैसी रही, करवा चौथ का व्रत कैसा रहा। तो अभी सारा सामान समेट लूँगी, और मैं आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि जब मेरी चूड़े में छुप गई थी मेहंदी, तो देखना कैसी लगी है, बताना ज़रूर। मैंने खुद से ही लगाई, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने इतनी अच्छी मेहंदी भी लगाई है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।